Oh, my Alta is done. देखिए. टिन 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 टिन. सब पापक्ष हुए पुराण जो मैंने पढ़ती शुणी लक्ष्मी लक्ष्य गीत खत्म वीडियो के सो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे बड़े होंगे लेकिन आई नो सर्दी का आप लोगों का खराब होगा मेरा भी खराब है मन ही नहीं करता वो निकलने को घर से तो गाइस चलो मैं आज का जो वीडियो है आप लोगों को बोल रही थी वो है माँ महालक्ष्मी का स्पेशल वाला ब्लॉग तो क्या होता है ये अभी चल रहा है मृगेश्वर महीना तो मृगेश्वर महीना का हर गुरुवार को होता है माँ महालक्ष्मी का पूजा तो देखिए मैं क्या लाई गन्ना दिस इज माई फेवरेट बोलू जितने भी ओडिया मेरे फ्रेंड है उन लोगों को तो पता होगा माँ महालक्ष्मी पूजा माणवसा गुरुवार इसको बोलते हैं माणवसा गुरुवार के रात से उठ के नहा धो के बाल बाल धोके आप सोचो क्या हालत होता होगा इतना ठंड में नहा के तो एनीवेज गाइस ये तो माँ महालक्ष्मी पूजा है तो ये मैंडेटोरी है करना तो हाँ भाई बोल रही थी नहा धो के फिर व्हाइट रेड साड़ी पहन के व्हाइट रेड साड़ी मैंडेटोरी साड़ी है हमारा वो महालक्ष्मी का मतलब कि फेवरेट कलर है व्हाइट तो ये सब पहन के माँ का पूजा करते हैं सर अभी थोड़ा जा रही हूँ मार्केट क्योंकि माँ का सारा सामान लाना है पूजा का सामान लाना है एंड सबसे मेन बात मुझे लोटस फ्लावर लाना है क्योंकि वो माँ का फेवरेट फ्लावर है आई नो आज तो रेट जो होगा भाई 100 या 200 रुपए होगा अनबिलीवेबल रेट होगा चलो भाई ये थोड़ा ख़त्म कर लो उसके बाद चलते हैं चलो हाँ हाँ ए छोटिया फुलटा खाली ए केते टका फुलटा 50 टका इडा ए फुटी नी भी काय करनो ना कोडोडा एते पैसा देखिए गाइस इतना छोटा सा फूल है 50 रुपए फूल भी नहीं है चलो ए आखू केते 10 टका धान बंटी के अच्छा अच्छा हाउ ये 30 में तो ले आई मार्केट से सारा सामान जो जो हमारा पूजा में यूज होगा मतलब माँ का सारा सामान ले गया अभी थोड़ा मैं जा रही हूँ मुगू डालने मुगू मतलब कि उड़िया में जिसको बोलते हैं झोटी चलो सो फ्रेंड्स ये जो झोटी रहता है एक्चुअली ये चावल को हम लोग सुबह भिगो के रखते हैं पानी में फिर शाम को इसका पेस्ट बना के ये पूरा घर में ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बनाते हैं मतलब फूल एंड पूरा आर्ट बनाते हैं क्योंकि ये माँ महालक्ष्मी का फेवरेट है ठंड लग रहा है तो चिल चिल एकदम 7 डिग्री है ना गुल्लू तो अब जाके मेरा खत्म हुआ मुग्गू डालना एंड कसम से बहुत ठंड था बहुत ठंड था एंड गुल्लू नौटंकी को देखो गुल्लू बाहर सीख रही थी है ना गुल्लू कैसे और बात पिपी कोई बात चना गुड़ो तो चलो गाइस मिलते हैं सुबह एंड मुझे सुबह का फिर सोच के बहुत ठंड लग रहा है अभी से ठंड लग रहा है भाई सुबह 4 बजे उठ के नहाना है उसके बाद करना है पूजा चलो गाइस गुड नाइट मिलते हैं सुबह गुल्लू से बाय बाय सो गाइज गुड मॉर्निंग देखिए मैं रेडी हो गई हूँ वाइट रेड साड़ी पहन के नहा धो के बाल बाल धो के एंड गुल्लू ऑल्सो रेडी विथ मी है ना गुल्लू तो से गुड मॉर्निंग हेलो गुल्लू बोल भी नहीं पा रही इतना सुबह उठ गई उसके अलावा ये देखिए तीनों रेडी है एक माँ महालक्ष्मी का एक मेरी सासू माँ का और एक मेरा सो मैंने 3 बना दिया दुबो बांध दिली 3टा ना पूजा करेंगे
तो गाइज हमारा पूजा हो गया ख़त्म एंड कसम से बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मतलब अभी तो सूरज भी नहीं होगा। हमारा पूजा हो गया ख़त्म एंड मैंने मुग्गू डाला है, आप लोग देखो, आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे डाला है। फिलहाल मैं जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट बनाने, पराठा भुजा पाव, क्योंकि हमारा मेन ब्रेकफास्ट है। मेरा फिलहाल मेरा ही फेवरेट, आप लोगों का फेवरेट होगा, पराठा आलूजा एंड आलू के साथ थोड़ा जोड़ूंगा, जोड़ूंगा को क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं, लंबा लंबा पतला पतला बरूड़ी, तो वही बनाने जा रही हूँ। तो बीच बीच में ओडिया हो रहा है, क्या करूँ, अभी मातृभाषा ओडिया है इसलिए छुट्टी में देख रहा है, पी एल कर रहा है। पराठा आलू भजा, पराठा के साथ आलू फ्राई, ये हमारा एक्चुअली मेरा तो फेवरेट है, सबका फेवरेट है, दिस इज द फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑफ एवरी ओडिया। यामी यामी गुलगा लैंग्वेज में यामी यामी, चलिए खा लो, उसके बाद लगाना है आलता, पैर खा लिया, पैर में नहीं लगाया तो मैं आलता लगा लूँ, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रसाद। हाय गुल्लू की तरफ से हाय, गुड मॉर्निंग, पी एल की तरफ से भी गुड मॉर्निंग, बाप बेटे सोए थे नहीं, मेरी गुल्लू जागी थी 4 बजे। अलग ही मज़ा है धूप में बैठ के आलता लगाना, क्योंकि अंदर बहुत ठंड हो रही है। ओह माय, आलता इज डन, देखिए टिन 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 टिन, भाई ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है पूजा का। गुल्लू के लिए पराठा बनाया, गुल्लू नहीं खाई, फिर ये गुल्लू के लिए ये बना स्पेशल, गुल्लू आजकल बहुत नखरे कर रहे है ना गुल्लू, देखिए ये कौन सा, ये कौन सा गेटअप है गुल्लू का, ये गुल्लू का कौन सा गेटअप है, ये देखिए गुल्लू का नाक, देखिए गुल्लू का सर्दी हो गया है, गुल्लू दिखाओ नाक, दिखाओ नाक को, देखिए। 1 घंटे के बाद मेरा गुल्लू का खाना हुआ खत्म एंड दिस इज माई लक्ष्मी व्रत। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, खाना बना के प्रसाद बनाने, प्रसाद में आज होगा चावल होगा, दाल होगा डालमा, उसके साथ होगा मूली का सब्जी होगा एंड भाजी, भाजी को सोड़ा साग भजा। तो चलो गाइस चलते हैं, उसके बाद मुझे वो माँ का एक बुक रहता है वो पढ़ना है, माणवसा बही। तो चलो गाइस मिलते हैं किचन में। तो फास्ट यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली का सब्जी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मूली को काट दिया है, उसको थोड़ा फ्राई किया है, खाली जीरा टर्मरिक एंड नमक डाल के, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बनाया है डालमा दाल। तो मूंग दाल में मैंने सबसे पहले कुकर में चढ़ा दिया मूंग दाल, उसके ऊपर सारा जो वेजिटेबल्स रहता है कद्दू फिर बैंगन आलू टमाटर सबको डाल दिया है 1 सीटी तक, और इसमें हल्दी नमक डाल दिया है, और उसके साथ मैंने क्या है भाजी मतलब कि पत्ता वाला साग, अभी इसको तो ओडिया में कुछला साग बोलते हैं, पत्ता माफ कर देना वाइज। एंड यहाँ पे अभी मैं दाल में लगाऊंगी तड़ चौंका लगाऊंगी, तो वही जीरा एंड मिर्ची सूखा मिर्ची, एंड अभी वो दाल को डाल दिया है कढ़ाई में, फिर उसके ऊपर थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा कच्चा अदरक एंड धनिया पत्ता, एंड लास्ट में डाल दिया है मैंने शुद्ध देसी काउ घी, क्योंकि घी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है डालमा में। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद जो रेडी हो गया, देखिए चावल रेडी है, मूला फ्राई मूली का फ्राई साग एंड डालमा। मामा वो का कोला को।
प्रतिकार एवं आउ बेले तार जो अनिति देख देवल भितर ताक देव घोड़ा एक कथा प्रमाण तुम्हें शुण ज्येष्ठ भाई न जाणी जसंत न जाणी जे दोष कले सिंधुराज मारे मात्र भाई तक दोष कर क्षमा गोविंद बलराम बोलुंस तुम सब पाप क्षय हुए ए पुराण जो मैंने पढ़ती शुणी लक्ष्मी लक्ष गोटी गोदान फल से लगती बनेबी तो गाइस हमारा पूजा हो गया खत्म एंड आप लोगों ने देखा मैंने किया आज कैसे पूजा। तो प्रसाद फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी लेने क्योंकि हम लोग यही प्रसाद खाएंगे तो इसीलिए तो चलो गाइस मैं खा लूँ उसके बाद मिलती हूँ। खाना हो रहा तो डालमा मूला भजा मूली भाजी साग एंड लंका पानी नींबू मिर्ची पानी तो पूरा आज खाना यही है ये स्पेशल डालमा। सो गाइज थैंक यू सो मच हमारा आज का वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो इतना ही एंड देखिए हमारा गार्डन कितना सुंदर फूल खिला है चामंती का फूल एकदम वाइट वाइट सफ़ेद वाला। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं अगले वाला ब्लॉग में अगला वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करना कॉमेंट करना। चलो मिलते हैं अगले वाला ब्लॉग में। टाटा बाय बाय टाटा 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 सुंदर सुंदर सुंदर।